परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति, ब्रजमंडल की ही नहीं भारतवर्ष की संत परंपरा की विशिष्टतम विभूति। तो हमने स्वामी जी के काल में भी देखा है, जब प्रश्नोत्तर होता था तो बहुत सामान्य ऐसे भी लोग होते थे जो अटपटा प्रश्न कर देते थे, और स्वामी जी का ज्ञान कितना अगाध था उसकी कोई उपमा नहीं थी। क्लिष्ट वेदांत विषय को असंस्कृतज्ञ आधुनिक शिक्षा से युक्त लोगों को, संस्कारों से युक्त लोगों को अत्यंत सरल करके वेदांत का ज्ञान उनके भीतर उतार देना, यह सामर्थ्य उन्हीं की थी, दूसरे की नहीं थी, ऐसे मान। लेकिन कोई कैसा भी प्रश्न करे वे रुष्ट नहीं होते थे। और एक विशेष बात थी, उनके मंच पर आकर कोई उन्हीं का खंडन करने लग जाए उस पर भी रुष्ट नहीं होते थे, उसके भी आदर सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं रखते थे। हमारे वृंदावन के एक विद्वान थे, बड़े अच्छे विद्वान, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, बहुत अच्छे विद्वान थे, पर पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला, उनको सन्यासियों से बड़ी चिढ़ थी। वो स्वामी जी के मंच पर आकर कई बार वहीं उठपटांग बोलने लग जाते हैं, कहते थे इन सबको भाग जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वैष्णवों का धाम है, ये है वो, ऐसा कहने लग जाते थे। अच्छे विद्वान थे वो। कई बार लोग स्वामी जी को कहते महाराज आप इनको क्यों बुलाते हैं, पर स्वामी जी बुलाए बिना नहीं मानते और वो आए बिना नहीं मानते। वृंदावन में प्रायः लोग सभाओं में उनको कम बुलाते थे, क्यों, किसी का भी खंडन कर देते थे, विद्वान अच्छे थे। हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था उनका, चलो नाम ले ही देते हैं, पूज्य पंडित श्री हरिवल्लभ शास्त्री जी। वल्लभ सिद्धांत का तो बहुत सुंदर बोध था उनको, गौड़ीय सिद्धांत वल्लभ सिद्धांत का बहुत अच्छा बोध था, टीकाओं के भाग कंठस्थ थे उनको, बहुत अच्छे विद्वान थे हरिवल्लभ जी। पर स्वामी जी कहते थे कि जिस निर्भयता से, मजबूती से शास्त्री जी वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, उसको सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारे मंच पर कोई इतनी बढ़िया बात सुनाने वाला विद्वान आया। और स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद हरिवल्लभ जी गए, मैंने अपनी आंखों से देखा, हरिवल्लभ जी हमारे महाराज जी के पास बैठकर रो पड़े। उन्होंने कहा ऐसा महात्मा हमने नहीं देखा, क्षमाशील। बोले वो तो हमारा स्वभाव था, हम बोलते थे, लेकिन वृंदावन में विद्वानों का आदर करने वाला अब कोई दूसरा नहीं है। चले गए वृंदावन से, विद्वानों का आदर करने वाले महापुरुष चले गए। जिज्ञासा का आदर करना, जिज्ञासु का आदर करना, प्रश्न की प्रशंसा करना, ये हमारी परिपाटी रही।